ये देखिए दोस्तों, मैं उतर गया हूँ नाव से और मैं इसमें चढ़ा था। ये देखिए काफ़ी बड़ा नाव है और इसके ऊपर जो है जाल भी है, और इधर दो छोटे नाव है, इसमें भी मछली पकड़ते हैं लोग, इधर और इधर भी एक। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि दोस्तों सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आप लोग मेरे पीछे का नज़ारा देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। और आप लोग देखिए मेरे पीछे जो है बहुत सारा पानी है और मैं अपने नदी में आया हूँ, हमारे यहाँ के नदी में, क्योंकि कल जो है विश्वकर्मा है। तो मैंने अपने देखिए इधर मैंने अपने गाड़ी को लाया है और इसको धोने के लिए अभी आए हैं नदी। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास में जो है काफ़ी सारे नाव है। यहाँ देखिए इधर दो गो नाव है और मैं भी जो खड़ा हूँ नाव के ऊपर मैं ही खड़ा हूँ। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा नाव है, ये देखिए। और चारों तरफ इधर देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और अगर इस साइड से अगर देखिएगा तो हर तरफ आप लोगों को पानी ही पानी नज़र आएगा। देखिए देखिए इधर भी काफ़ी दूर में है और इधर भी काफ़ी दूर तक दोस्तों पानी ही पानी नज़र आएगा आप लोगों को। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि नदी जो है पूरा सुनसान है, नदी में कोई नहीं है, एक भी आदमी नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। और कैमरा मुझे तो दो नाव नज़र आ रहा है दोस्तों, एक इधर है और एक इस साइड में, और मैं आप लोगों को कैमरा में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इतना दूर में जो है जूम भी नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ये देखिए सुनसान नदी में। और दोस्तों मैं आप लोगों को नाव दिखा देता हूँ कि ये नाव जो है मैं जो इसमें खड़ा हूँ ये कितना बड़ा नाव है ये, तो मैं आप लोगों को एक बार उतर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं उतर गया हूँ नाव से और मैं इसमें चढ़ा था। ये देखिए काफ़ी बड़ा नाव है और इसके ऊपर जो है जाल भी है, और इससे जो है मछली भी पकड़ते हैं, हर रोज़ मछली पकड़ा जाता है इससे। और इधर दो छोटे नाव है, इसमें भी मछली पकड़ते हैं लोग, इधर और इधर भी एक। और दोस्तों नदी में जो है ना धूप काफ़ी लग रहा है तो मैं कैमरे में ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। और ये देखिए मैंने गाड़ी धोने के लिए सामान भी लाया है। तो चले पहले गाड़ी को लगाते हैं फिर धोते हैं। और दोस्तों मैंने गाड़ी को खड़ा कर लिया है, ये देखिए डबल स्टैंड में। और देखिए मैं धोने के लिए सामान लाया हूँ जो कि इसमें है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसमें क्या क्या लाए हैं, ये देखिए निरमा है, शैम्पू है और साथ में एक कपड़ा है। और निरमा और शैम्पू जो है हम गाड़ी में यूज करेंगे धोने के लिए। तो चले पहले मिलाते हैं इसको। और दोस्तों अभी मैं थोड़ा पानी उठा लेता हूँ अपने बाल्टी में और इसमें हम अभी निरमा को मिलाने वाले हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों मैंने निरमा को पानी से मिला दिया है। तो चलिए अभी पहले गाड़ी धो लेता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं अकेला हूँ और कैमरा पकड़ने के लिए यहाँ कोई है नहीं। तो पहले मैं अपनी गाड़ी धो लेता हूँ। और देखिए मैंने यहाँ जो है निरमा को मिला लिया है, तो चलिए पहले गाड़ी धो लेते हैं। तो गाइस अभी मैं घर आ गया हूँ गाड़ी को धो करके और मैं भी नहा लिया। और देखिए अभी सुनीता जी भी खाना इधर रेडी कर लिए हैं, देखिए इधर हम लोगों का खाना बन के रेडी हो गया है। और दोस्तों अंधेरा भी हो गया है, मुझे आके जो है ना मैंने कुछ काम कर रहा था इसलिए अंधेरा हो गया और मैं वीडियो को पहले एंड नहीं कर पाया। और देखिए अभी जो है सुनीता जी खाना परोसेगी और हम लोग जो है अभी खाने वाले हैं खाना को क्योंकि अभी रात हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में।